अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तख्ती नंबर 21, हुरूफ़ मुक़त्तआत। तो हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरान की बहुत से सूरतों के स्टार्टिंग में आता है। ये देखिए, ये हमने बहुत बार देखा होगा। तो इसे कैसे पढ़ना है, जैसे अरबिक के अल्फ़ाबेट्स जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा, जैसे उनको अलग अलग से पढ़ते थे, उसी तरह इन्हें भी अलग अलग से पढ़ना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तजदीद है, और यहाँ पर भी तजदीद है, और यहाँ पर भी तजदीद है, ठीक है। तो ये मीम के ऊपर तजदीद दिया गया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा गुन्ना करना होगा इसे, ठीक है। और जो मद यहाँ पर दिख रहा है हमें, इस मद को भी हमें उतना लंबा भी करना है, चार अलिफ के बराबर। और यहाँ पर खड़ा ज़बर है, उसे भी हमें उतना ही लंबा करना है जितना हमने सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सोद, अलिफ लाम रो, अलिफ लाम मीम रो। काफ हा या ऐन सोद, तौहा, तौसीन सीन यासीन स्वाद हामीम हामीम आई सीन कौफ कौफ नून। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।